जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SP क्लासेस पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए तो आज के वीडियो में भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो क्या नाम है पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम? तो मकरान तट है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1884 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान? तो नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो तवा नदी है वह किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो वह कौन सा देश है जो पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तेंदुपत्ता सबसे अधिक कहाँ होते हैं भारत में? तो मध्य प्रदेश में होते हैं। अगला क्वेश्चन, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो टोडा जनजाति होती है वह कहाँ पर पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में यह जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बेरूत किस देश की राजधानी है? तो जो बेरूत है वह किस देश की राजधानी है? लेबनान की राजधानी है, लेबनान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? तो कब का है? 82 ई का है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो वह कौन सा क्षेत्र है जो एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो जो क्विक सिल्वर होती है वह किस नाम के धातु से जानी जाती है? तो पारी। यत किस जनजाति का घर है? तो किस जनजाति का है? खिरगीज का है। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो देवप्रयाग है वह किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेगुर क्या है? तो जो रेगुर होती है वह क्या है? तो रेगुर काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है महाबलेश्वर? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय दर्शाता है? तो मिर्जापुर 82.5 सेल्सियस पूर्वी देशांतर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक आंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? तो जो लक्षद्वीप हैं वह किस प्रकार के द्वीप हैं? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ली क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है यह क्षेत्र? तो हीरा के भंडार के लिए आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ली क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो अमेरिका देश है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो तो 22 दिसंबर को लंबा दिन होता है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो किस भाग में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में यह घटनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन थे? एनैक्जिमेंडर थे। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो यह योजना कहाँ पर स्थित है? तो यह योजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो वह कौन सी नदी है? तो वह काली नदी है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यह किस देश में है? तो यह यूक्रेन देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो यह योजना कहाँ पर स्थित है? तो यह योजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? तो यह कौन से तट के पास होकर बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है।
भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इंदिरा गांधी पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो कौन सा है? तो आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जो एटा जनजाति होती है वह कहाँ पर पाई जाती है? तो फिलीपींस में पाई जाती है जनजाति। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो कौन सा राज्य है भाई? तो जम्मू एवं कश्मीर है, जिसकी एक सीमा चीन से और दूसरी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। किरा नहर किस देश में स्थित है? जो किरा नहर है वह किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काली और जस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो नेपाल हिमालय भाग पड़ता है। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान है भारत का विश्व में। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो जो भूमध्य सागर है उसकी लंबाई कितनी है? तो 6378 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो कौन सा है? भूवैवर्तनिक सिद्धांत। कौन सा? भूवैवर्तनिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मन्नार की खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम्य स्थानों को मिलाती है तो क्या कहलाती है? तो अभिगम्यता सम्मान रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में कांच के कुटीर उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो कहाँ है? फिरोजाबाद यूपी में। अगला क्वेश्चन, बोकारो तथा भिलाई स्थित लोह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, मूकमाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया? तो जो मूकमाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो केरल राज्य में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे पहला सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो रानीखेत चेन्नई में कारखाना स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, रेल के बिजली से चलने वाली इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चित्तरंजन में किया जाता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो जो हल्दिया तेल शोधक कारखाना वह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। जौनसारी खरवार थारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? तो यह जनजाति उत्तराखंड में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस क्षेत्र की कंपनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्राइवेट सेक्टर की। जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है वह प्राइवेट सेक्टर की क्षेत्र की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, नई बेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकलता है? तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु से यह निकलता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? स्टाम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो वह कंपनी किस शहर में जो मोटर गाड़ी निर्माण करती है? तो डेटायट में। कहां पर है? डेटायट में। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है जो हिमाचल की कुल्लू घाटी है। अगला क्वेश्चन, एशिया उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है तो वह कौन सा है? तो वह बेरिंग जल डमरू मध्य है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह नीलगिरी के दक्षिण में है जो तमिलनाडु और केरल को जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वह कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। अगला क्वेश्चन, बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता तो क्या कहलाता है? बंगर मैदान कहलाता है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अनेक बार एग्जाम में भी आ चुका है कि जो चिल्का झील है वह किस प्रकार की झील है? तो लेगुन झील है। किस प्रकार की मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है? तो कौन सी मिट्टी होती है? तो चिकनी मिट्टी होती है। वह सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है।
अगला क्वेश्चन है, कृष्ण डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? गोलकुंड तट कहलाता है, कृष्ण डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी विंध्या तथा सतपड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? तो कौन सी वह नदी है? तो नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो कहाँ पर यह क्षेत्र स्थापित हुआ है? तो नीलगिरी में यह क्षेत्र स्थापित हुआ है। अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? जो अलेप्पी बंदरगाह है वह केरल राज्य में स्थित है। विश्व मौसम संगठन का कार्यकालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जेनेवा में है विश्व मौसम संगठन का कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जो नागार्जुन परियोजना है वह कृष्ण नदी पर बनाई गई है। कल्पक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? तो कल्पक्कम तमिलनाडु में और तारापुर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अनेक बार एग्जाम में भी आ चुका है, तो लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नंदी हिल्स किस शहर के पास बना है? तो बेंगलोर शहर के पास बना है। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो कितने प्रतिशत हैं? तो 7%, भारत में कुल वनों का 7% शीतोष्ण वन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है जहाँ पर सबसे अधिक कोबाल्ट उत्पादित होता है? तो जायरी में सबसे अधिक कोबाल्ट उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, इराक का पुराना नाम क्या है? तो इराक है उसका पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम। न्याग्रा प्रपात कहाँ है? जो न्याग्रा प्रपात है वह कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वारसा किस देश की राजधानी है? तो जो वारसा है वह किस देश की राजधानी है? तो पोलैंड की राजधानी है वारसा। अगला क्वेश्चन, कोंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो तमिलनाडु से संबंधित हैं। सिंधु नदी की लंबाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सिंधु नदी की लंबाई 2280 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानंदा नदी का अपवहन क्षेत्र है तो कितना है? 132,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो जो बोकारो स्टील प्लांट है वह किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? तो जो अरावली पर्वत है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अनेक बार परीक्षा में भी आ चुका है कि भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो कौन सी रेखा है? मैगिनॉट रेखा है जो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। अगला क्वेश्चन, नेपा किस राज्य का पुराना नाम है? तो नेपा तो अरुणाचल प्रदेश का नेपा पुराना नाम है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो जो अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि तो नॉर्वे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो जो भिलाई स्टील प्लांट है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। तुंगभद्रा बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो यह कहाँ पर है? यह कर्नाटक में है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पृथ्वी को किसने मापा था सर्वप्रथम? तो थेल्स ने सर्वप्रथम पृथ्वी को मापा था। अगला क्वेश्चन, भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वस्तुकार का क्या नाम है? तो क्या नाम था? तो चार्ल्स कोरिया था। अगला क्वेश्चन है, खगचंद जैंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कहाँ स्थित है? तो यह गंगटोक सिक्किम में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अंगूर उत्पादन उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो कहाँ पर है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में यह सुविकसित अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है, मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूना का प्रयोग किया जाता है जो मृदा की अम्लीयता को समस्या को दूर करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है जिनमें जनवरी फरवरी की ऋतु होती है, तो जो जनवरी और फरवरी की ऋतु होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको शिशिर ऋतु कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तटरेखा। अगला क्वेश्चन है, टोंडा गौड़ भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति है और कौन सी पाई जाती है? तो भारत में गौड़ सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो कहाँ पर होता है? ठंडी एवं गर्म जलवायु के मिलन स्तर पर होता है प्लैंकटन का विकास। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्टेनीज ने किया था जियोग्राफी शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिकोण अवस्थित है? तो जो बरमूडा है त्रिकोण वह कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश और देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो कौन था वह मानचित्रकार? तो मेरिनस था। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाले तूफान चक्रवर्ती को क्या कहा जाता है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण और पूर्वी तट पर उठने वाले तूफानों को तो क्या कहा जाता है? टोरनेडो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियां जैसी संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जलमग्न कटक कहते हैं। जो संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियां हैं उनको क्या कहते हैं? तो जलमग्न कटक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊँचाई कितनी है? तो इसकी ऊँचाई कितनी है? 8,598 मीटर है। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। बनी रहिए हमारे साथ। जय हिंद।